नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, जिसे आप बोलोगे हमें पहले क्यों पता नहीं था। इसका नाम है लड्डू का पराठा। इसके लिए हमें चाहिए 2 लड्डू, 1 कटोरी गेहूं का आटा और थोड़ा सा घी। इसके लिए हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। अब इसमें हम 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब इस घी को हम उसमें आटे में मलेंगे अच्छी तरह से, फिर इसको आटे को नरम गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने गैस ऑन करके तवा उसके ऊपर रख दिया है। अब हम आटे से लोई तोड़ के पराठा बनाना शुरू करते हैं। लोई तोड़ ली है हमने, अब इसमें हम अंगूठे से दबा दबा के बीच में खड्डा करेंगे। खड्डा मींस होल करेंगे, अंगूठे से दबा दबा के हम इसमें थोड़ा गड्ढा सा बना लेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा घी लगा के उसके ऊपर लड्डू रख देंगे। लड्डू हमने पूरा ही रखना है, इसको तोड़ना नहीं है। बीच में रख के हम सेंटर से इसको दबा देंगे। ये हमने इसमें घी लगा लिया है, अब बीच में हम रखेंगे लड्डू। अब इसको चारों तरफ से आटे को अंदर को मोड़ते हुए गोल गोल करके इसकी दोबारा से हम लोई बना लेंगे। अब इसका जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा होता है वो हम गोल घुमा के निकाल देंगे। अब फिर से हम गोला बनाएंगे और इसमें कोई दरार नहीं रहनी चाहिए। अब इसको दोनों हाथों के बीच में दबा के फिर से हम साइडें दबा दबा के इसको फिर से गोल कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा लड्डू किनारों तक पहुंच जाता है। अब इसे हम हल्के हाथ से चलाते हुए इसका पराठा बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप बोलोगे हमें पहले क्यों नहीं पता था। अब इसे हम तवा गर्म है उसके ऊपर डाल देंगे। अक्सर घर में गेस्ट आते हैं, कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेके आते हैं आप, वो बच जाती है तो उसका क्या करें। अब उसका इस तरह से इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह हम बर्फ़ी का भी पराठा बना सकते हैं। उसे भी ऐसे आटे में डाल के थोड़ा सा मैश करके बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालो, बस उसका दोबारा से पराठा बनाओ। बच्चे तो इसे बहुत खुश होकर खाते हैं, बार बार इसके डिमांड करते हैं कि अब फिर से ऐसा बनाओ। ये देखो हमारा पराठा बनके तैयार होने लगा है। अभी इस पे हम घी लगा देंगे एक तरफ, फिर इसको पलट के हम दूसरी तरफ भी लगाते हुए करारा सा सेकेंगे। अब इसको पलट दिया है हमने, अब इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, वो आपकी मर्जी है। ये देखो हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल खस्ता करारा बन गया है। ये देखो मैंने इसको प्लेट पर रख के आपको काट के दिखा दिया है, पूरे किनारों तक पूरा लड्डू भरा हुआ है, जो खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, आपको ये लड्डू का पराठा कैसा लगा मुझे वीडियो को कमेंट करके बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक